पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को 12वीं कक्षा के 6 छात्रों को व्यक्तिगत रूप से स्मार्टफोन सौंपकर 92 करोड़ रुपए के पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम की शुरुआत की है। आपको बता दें, इस योजना के तहत 1,74,015 12वीं कक्षा के छात्रों को नवंबर तक स्मार्टफोन दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस बात की जानकारी दी। बता दें कि आज 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर पंजाब कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए कहा, सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में पंजाब सरकार इस अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर स्मार्टफोन के वितरण की शुरुआत कर रही है, जिससे पंजाब के युवा शिक्षा से संबंधित सामग्री का डिजिटल रूप से उपयोग कर सकेंगे। इससे पहले सरकार ने घोषणा की थी कि ये फोन केवल लड़कियों को दिए जाएंगे, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा था कि कक्षा 12वीं के छात्रों की पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े, इसलिए ऐसे लड़के और लड़कियां जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, उन दोनों को फोन दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना की पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकियों ने हमला कर दिया। बारामूला जिले के सुपोर में आतंकियों ने इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे सुरक्षा जवानों के काफिले पर हमला किया है। इस हमले में एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल जवान को तुरंत उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि आतंकी लगातार घाटी में दहशत फैलाने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। आतंकियों ने सेना, सीआरपीएफ और पुलिस की संयुक्त नाका पार्टी पर एक होटल के समीप पहले कुछ राउंड गोलियां चलाई। अचानक हुए हमले के बाद सेना के जवानों ने भी मोर्चा संभाला और आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। दिल्ली में फिलहाल कोरोना का कहर कम होता दिख रहा है, लेकिन राज्य में अब 1,000 के करीब मामले सामने आ रहे हैं। वहीं बुधवार को कोरोना वायरस के 1,113 नए केस सामने आए और इसके बाद राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,48,000 के करीब पहुंच गई है। वहीं दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1,021 लोग कोरोना संक्रमित ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 14 और लोगों की मौत भी हुई है और इसके बाद राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,153 हो गई। राज्य में 1,33,405 लोग कोरोना वायरस की महामारी को मात दे चुके हैं। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में 6,472 आरटीपीसीआर जांच और 12,422 रैपिड एंटीजन जांच हुई है।